अच्छा देखियो ये ना नवी एक्सरसाइज है ये आपां की बनाउणा है ऑगिव ये तीन ही क्वेश्चन ने इन्हां दे विच ऑगिव तैयार करना ऑगिव ग्राफ ही हुंदा है इत्थे भी की तैयार करना सैकेंड क्वेश्चन दे विच भी ऑगिव ठीक है देख लियो ऑगिव किद्दां बनदा है जे तुसीं टेबल वाल ध्यान मारो ना इहदा ऑगिव नहीं बन सकता कारण की हुंदा वा इंटरवल इदा नहीं होने चाहिए जां ते लैस दैन लिखिया होना चाहिए जां मोर दैन लिखिया होना चाहिए पहली गल समझ लग गई ना जे तुसीं ऑगिव बनाउणा चाहुंदे आ आ जिहड़ा टेबल है इहनूं ठीक करना पैणा जां ते इहदे विच लैस दैन लिखिया होना चाहिए जां मोर दैन इहदा ऑगिव बन सकता ना क्योंकि इहदे विच किहड़ी चीज़ लिखी लैस दैन जां लैस दैन लिखिया होवे जां मोर दैन लिखिया होवे फिर आपां ऑगिव बना सकते हैं पहलो इनू किरच बदलीए जिद्दां उन्होंने कहा इनू कन्वर्ट करो कादे विच लैस दैन जां लैस दैन क्या होगा जां मोर दैन वाला इहदे च नहीं मैं समझाऊंगा थर्ड क्वेश्चन आपे कवर हो जाना तीसरा क्वेश्चन मोर दैन वाला ही है पहले आपां लैस दैन वाला कवर कर लिए लैस दैन जदों कहिंदे आ तुसीं इधरला जिहड़ा पोर्शन सारा हटा के लैस दैन लिखी जाना ठीक है ना इनू कन्वर्ट किद्दां करांगे पहलो टेबल सही कर लिए उपर वह चीज़ आनी डेली इनकम इन रुपीस ये उस तरह नंबर ऑफ वर्कर उस तरह डेली इनकम दे विच 100 नहीं लिखना तो ही लिखना लैस दैन 120 100 आपे कवर हो जाना इतने आप लिखांगे लैस दैन 120 लैस दैन 120 फिर 120 नहीं लिखना लैस दैन 140 आपे कवर हो जाना 140 तो छोटे ही है ना ये आपे कवर हो जाने लैस दैन 140 तीसरा लैस दैन 160 लैस दैन 160 फिर लैस दैन 180 लैस दैन 180 फिर लैस दैन 200 ये लैस दैन विच बदल गया मैं एक गल होर दसदा ध्यान ना सुनो जदों भी आपां लैस दैन लिखिए मोर दैन लिखिए नाल फ्रीकुएंसी नहीं लिखी दा की लिखी दा कमूलेटिव फ्रीकुएंसी जदों लैस दैन जां मोर दैन होवे नाल फ्रीकुएंसी की बजाय आपां किन्नू लिखदे कमूलेटिव फ्रीकुएंसी नूं ते कमूलेटिव फ्रीकुएंसी इहदे तों बणा लईए आ फ्रीकुएंसी ही एफ आई इहदे तों सी एफ किद्दां बणदा पहलां उदां लिखी दा फिर 12 ते 14 ऐड करके 26 हो गए 26 ते 8 किन्ने हो जांदे आ 34 34 ते 6 40 40 ते 10 50 इहदा भुलेखा तां ना पाउ समझ लग गया ना ठीक है सी एफ भी आपां लिख लिया आपां अद्धा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं ये निक्के ही ने क्वेश्चन आप उन्होंने कहा कन्वर्ट करो लैस दैन टाइप आ वेखो नाल ही लिखिया कमूलेटिव फ्रीकुएंसी ये हो गया हुण आपां की बनाउणा ऑगिव ऑगिव किद्दां किद्दां बनाउणा तुसीं कुछ इंटरवल लिख लो इत्थे ब्रैकेट्स पा लो ऑगिव दे कोऑर्डिनेट किहड़े होणगे ऑगिव कोऑर्डिनेट्स आर किहड़े किहड़े कोऑर्डिनेट होणे 120,12 पहला कोऑर्डिनेट 140,26 दूसरा कोऑर्डिनेट 160,34 तीसरा कोऑर्डिनेट 180,40 चौथा कोऑर्डिनेट 200,50 पंजवां कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट होणगे तां ही ग्राफ बनावांगे वेखियो ग्राफ इहदा एक्स एक्सिस हो गया ते वाई एक्सिस हो गया आ एक्स दे हुंदे पहले 200 तक आ ना आपां किन्ने किन्ने दा गैप लिख लिए 20-20 दा लिख लैने 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 ते 200 तक चल गए दूजा वेखो किन्ना क गैप रखिए वाई लई 50 तक जाना 40 भी आ 50 भी आ 12, 26 किन्ना क गैप रख लिए जिहड़ा सानू आ पॉइंट लभणे सौखे हो जाण आपां इत्थे 5-5 दा गैप रख लैने 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ते 50
होया क्लीयर ना। ठीक है, हुण पॉइंट मार्क करिए। पहला पॉइंट हैगा 120 ते 12, इनू मैं ए पॉइंट दे दिना वा, उत्थे लिखना सौखा जू। 120 ते 12, 120 तो तुरे 12 ते रुकना, 12 इत्थे होना 10 तो बाद, इत्थे पॉइंट आ गया ए। ए पॉइंट लाता, दूजे नू मैं बी पॉइंट कह दिना, क्योंकि आप ब्रैकेट लिखांगे थोड़ा ज़्यादा रश जिहा पऊगा, आप ए बी सी लिख देंगे। 140 तो 26 तक जाना, 140 तो तुरे 26 कित्थे कौंदा, इस जगह ते इत्थे पॉइंट लाता बी पॉइंट। फिर अपना आ जूगा 160 तो 34 तक, 160 तो तुरे 34 होना, इत्थे एक पॉइंट आ गया। ये अपना सी पॉइंट हो गया। उस तो बाद 180 तो 40 तक, आ 40 हो गया ते आ 180 हो गया। डी पॉइंट भी हो गया 200 तो 50 तक, 200 तो चले 50 ते रुक गए। ई पॉइंट भी हो गया। इन्हां नूं इदां जोड़ देना, जरूरी नहीं सीधी लाइन आवे, विंगी टेढ़ी जिहड़ी भी आ, ये बन गया साडा ऑगिव। इहो जिहे ग्राफ नूं आपां बोलदे हां ऑगिव। क्वेश्चन एक कंप्लीट होया, लग गया पता? ठीक है ना, गर्मी तो नहीं लगन दी? लगन दी, चलो कर लो नोट। सेकंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेन है। देखियो क्वेश्चन च पहलों वेखिए लभण करना की आपां। पहला काम तो उन्होंने किया भी यदा ऑगिव बनाओ, लैस दैन टाइप वाला, तो लैस दैन वाला ग्राफ बनया वा। जद भी ऑगिव बनाना तो आप करना कोर्डीनेट लिखिए पहलों, केड़े केड़े कोर्डीनेट्स आप ड्रा करांगे ग्राफ के उपर। पहला कोर्डीनेट तो आ गया 38 नू जोड़ना 0 दे नाल, 38,0 इनू आप उस तरह ए मान लाँगे। फिर आ जाता 40,3 इनू आप बी मान लाँगे। उस तो बाद 42,5 इनू सी मान लाँगे, 44,9 इनू डी मान लिया, 46,14 इनू मान लिया सी ई। फिर आ गया 48 ते 28, उस तो बाद 50 ते 32, लास्ट ते आ जाता 52 ते 35। ठीक है, ये कोर्डीनेट हो गए। ऑगिव ड्रा करिए, एक्स एक्सिस ते आड़े पॉइंट आने जे जिहड़े पहलों लिखे आ, ये कितों तक? मैक्सीमम 52 तक। तो ये आप किन्ना किन्ना गैप रखिए, 5-5 का रख लें, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ते 55। इतों तक पहुँच गए। हुण आ जाइए वाई अल, वाई ते है कि मैक्सीमम कितों तक? 35 तक। ये भी 5-5 का गैप रख लें, 5, 10, 15, 20, 35। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया 0 ते 38, 38 एक्स वाला, जे आ चीज़ आनी 35 तो बाद इत्थे कौना, ये पॉइंट आ गया 0,38 वाला, 38,0 वाला। दूजा पॉइंट आना 40 तो चलना, 3 ते रुक जाना, 40 तो चलने 3 इत्थे कितें होना, आ बी पॉइंट आ गया। फिर आऊगा 42 तो 5 तक, 42 इत्थे की होगा ते 5 भी इत्थे की है, सी पॉइंट आ गया। फिर आ जाना 44 तो 9 तक, 9 इत्थे होना, 44 इत्थे,
46 तो 14 तक, 14 इथे आ 46 इथे कहेगा, 48 तो 28 तक, 28 इथे 48 इथे कोना, 50 तो 32 तक, 32 ते 50, 52 ते 35 इत्थे की जाके बन दाना किते, इना नू जोड़िए, ये साडा ऑगी विड्रा हो गया, क्लीयर है ना। ठीक है, इदा का बन जाना ग्राफ चा। पर अगे क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस मैं क्यों कहना पाया, उन्होंने कहा मीडियन पता करो, मीडियन पता करो ग्राफ तो, ते फिर वो मीडियन नू वेरीफाई करो फार्मूले दे नाल, ग्राफ तो किदा, ए तो किदा पता लगता मीडियन, फार्मूले तो किदा पता करदा, करते हुंने आपां, फार्मूला मीडियन दा हुंदा वा, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ये ते फार्मूला, फार्मूला ला के चैक करना भी आपां ग्राफ तो सही पता कीता, ग्राफ तो किदा पता करीदा, एन बाय टू करना, तुसीं जे ग्राफ तो पता करना एन किन्ना हुंदा, एन हुंदा जिहड़ा इत्थे लिखिया हुंदा पता ना, जिहड़ा एंड ते लिखिया हुंदा 35 वो एन आ, इदों अद्धा करिए ते किन्ना बन जांदा 17.5। इनू किथे लब्भो वाई एक्सिस ते, इनू वाई एक्सिस ते मार्क करो 17.5, इत्थे घोड़ा किते आ चीज़ आ गई 17.5। फिर स्केल दे नाल सिद्धी लाइन खिंचनी ते इस लाइन नू हेठां मीट करा देना, ते जिथे ये मीट करूगी वो साडा की आना जे मीडियन, मीडियन हुण आपां आ ते रफली जे ग्राफ बनाया, हो सकदा मीडियन 45 होवे, लाइन सीधी मीट ना होई होवे, चैक कर लईने किन्ना कौंदा वा इहदे तों, इहदे तों किद्दां चैक करांगे। हुण आपां नूं उह चीज़ थोड़ी सही करनी पैणी, इहनूं इहनूं इत्थे आपां नूं नवां बनाउणा पैणा जी टेबल, तुसीं इत्थे लिख लिओ दो दो दा फर्क आ ना, 38 ते 40 च दो दो दा फर्क आ, किद्दां लिखणा तुसीं, तुसीं लिख लेना 36 तो लैके 38, फिर 38 तो लैके 40, 40 तो लैके 42, 42 तो 44, 44 तो 46, 48, 50 ते 50 तो लैके 52 तक। फिर अगे अगे केड़ियां चीज़ां लिखनियां, उस तो बाद आ केड़ी चीज़ लिखी, सी एफ आपां नूं सी एफ तो पहलों एफ आई चाहिदा, सानू गिवन की हैगा सी एफ, किन्ना दिता वा सी एफ 0 गिवन, जे 0 फिर गिवन हैगा वा 3, फिर हैगा 5 9 14 28 32 ते 35। इहदे तो एफ किद्दां बणावांगे आपां, इहदे तो एफ किद्दां बनाउणा, जिद्दां माइनस कर करके बनने ने हुण। ठीक है, इन्ना कु नोट करियो, फिर देखदे इन्ना नूं, पहलो ऑगी बना लो, इन्ना नोट करो, आ देखियो एफ किद्दां पता करीदा सी एफ तो, आ सामने वाला उदां लिखीदा, फिर 3 चों 0 कढ ते 3 रह गया, 5 चों 3 कढ ते 2 रह गया, 9 चों 5 कढ ते 4 रह गया, 14 चों 9 कढ ते 5, 28 चों 14 कढ ते 14, 32 चों 28 कढ ते 4, 35 चों 32 कढ ते 3। ठीक है, माइनस करके बनता जी। तो इन्हां दे विच सब तो वड्डा नंबर जिहड़ा हुंदा जिद्दां 14, इहनूं मनना हुंदा एफ, जिहड़ा फार्मूले च भरना एफ मान लिया, इहदे तो सामने वाला आ जिहड़ा ए एल हो गया, इहदे तो सामने वाले तो उपरला हो गया सी एफ। ठीक है ना,
ठीक है, वैल्यू पुट करिए, एल की जगह पर 44, एन बाय टू किन्ना हैगा 17.5, तो सी एफ किन्ना आया यह हैगा 14, एच किन्ना हैगा किन्ना क फर्क इन्हां च दो दो दा, तो एफ किन्ना आया 14, 21 जा 27 जा। इनू मैं इधर सॉल्व कर दिना, मीडियन इज इक्वल टू 44 प्लस 17.5 चो 14 कढ़ दिए 3.5, हेठा 7, 7 1 जा 7 5 जा 35 पॉइंट उदा लग जाना 44.5। तो इत्थे ये मीडियन आ गया 44.5। तो मैं तुहानू अगे दसन डिया भी आ लाइन मैच करन च आपां नू प्रॉब्लम आउणी ही, इत्थे कौणा ही ये पॉइंट, ठीक है। जे तुसीं अपनी नोटबुक ते ध्यान नाल देख लिओ, पॉइंट इत्थे कौणा जी, इनू जदों इहदे नाल जोड़दे जुड़दे होणगे ये इत्थे एक मैच करदा आ चीज़ आ जे मीडियन 44.5। ग्राफ तो ते आ फार्मूले तो आ गया, ठीक है, इदा कंप्लीट हुंदा जी, कर लो नोट। एक क्वेश्चन रह गया, कल कर लांगे, कल अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।